हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए दो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हैं गाइज, ये दोनों आप क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में आप लोग का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत आप लोग देख सकते हो, मेरे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ गाइज प्रश्न संख्या 9 है। इसके अंतर्गत गाइज दो प्रश्न होते हैं, क और ख के अंतर्गत दो प्रश्न आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड, और वो काफ़ी आसान होते हैं। आई होप आप लोग आसानी से उसे कर भी लोगे। ओके गाइज, प्रश्न क्या होते हैं आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये पहला प्रश्न होता है, और सेकंड होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ओके गाइज, अब देखिए ये उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। देखिए जो मतलब किसी भी शब्द के पहले लग कर उसका मतलब अर्थ बदल दे, वही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है कि जो उसके अंत में लग कर उसका अर्थ बदल दे। ठीक है, तो यही उपसर्ग होता है, वही प्रत्यय होता है। आप लोग को केवल याद रखना है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ओके, तो इस तरह आप लोग का उपसर्ग से देखिए, ये 6 थे आप लोग को ऑप्शन दिया है, लेकिन केवल इसमें से आपको 3 थे करना है, तीनों को लेकर और एक एक शब्द बनाना है। ठीक है गाइज, तो उस तरह आप एक एक शब्द बना दोगे तो उसका एक 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 यानी तीनों प्रश्न का एक एक मार्क आपको यानी 3 मार्क मिल जाएगा। और नीचे आप लोग देखिए, ये इसमें भी आपका 6 ऑप्शन दिया है, और इनमें से किन्हीं 2 को लेकर जो आपको आ रहा है उसको लेकर, और आपको क्या करना है कि एक एक शब्द बनाना है और उसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, लाइक आपको जैसे देखिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपको दे दे इस 6 आपको मतलब देखिए यहाँ मैं इसको बना भी दिया हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ 6 आपको ऑप्शन दे दे, ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए आपको अनु दे दे, तो अनु से आपको क्या, ये उपसर्ग है, इससे आपको एक शब्द बनाना है। तो अनुमान एक शब्द हो गया, मान से पहले मान का एक शाब्दिक अर्थ है, ठीक है मान, ठीक है गाइज, और उससे पहले अनु जोड़कर उसका अर्थ बदल दिया यानी अनुमान। ठीक है गाइज, उसी तरह देखिए सह है, तो सहपाठी कह सकते हैं, पाठी माने मित्र, सहपाठी, ठीक है गाइज, यानी सह माने मतलब साथ रहने वाला, सबसे अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, सहपाठी यानी मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए वही शब्द नहीं हो सकता, और सारे शब्द हो सकते हैं। देखिए अप है, अपमान कह सकते हैं, ठीक है, परी है, परिवार कह सकते हैं, अभी है, अभिमान कह सकते हैं, मान के पहले अभी जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ अ है, तो देखिए मैंने इसको बना दिया था, अवकाश है, ठीक है, और काफ़ी सारे शब्द होंगे, आप कुछ भी मतलब बना सकते हो, ठीक है, इन शब्दों को लेकर, लेकिन ये आपके मतलब उस शब्द के पहले आने चाहिए उपसर्ग में। और प्रत्यय में क्या है, प्रत्यय में वही है कि आपको ये शब्द बाद में आने चाहिए। ठीक है, जैसे पन है, तो देखिए बच्चेपन, पन बाद में आ रहा है तो बच्चेपन, ठीक है, पन ये प्रत्यय में यही शब्द जो है बाद में आने चाहिए। ठीक है, ता है, ठीक है, तो इसको हम बचपनता कह सकते हैं। ठीक है गाइज, वाह है, तो वाह को हम क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में वाह आए। ठीक है, उसी तरह ये वट और ये त्वा, ठीक है, यानी ऐसे आपको शब्द ढूंढने हैं कि जिसके अंत में ये आ जाए प्रत्यय में, ठीक है, और उपसर्ग में वो पहले आ जाए। ठीक, तो यही होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप ये शुरू से ही 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आसानी से आप लोग कर लोगे और यहाँ से आप लोग को 5 नंबर मिल भी जाएगा। तो गाइज, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज मैं बताना चाहूँगा कि एक व्हाट्सअप लिंक है, आप उससे भी जुड़ जाइएगा, जिससे वहाँ आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन गाइज अगर आपको फंस रहा है तो उसका फोटो लेकर वहाँ सेंड कर दीजिएगा, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और गाइज ये इसी तरह होता है, आपकी ये बुक में होगा मतलब कुछ शब्द होंगे, उनका आप अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, अभ्यास आप लोग कर लोगे तो आसानी रहेगा। तो ऐसे तो ये देखिए कई सारे इसमें ऑप्शन देता है, जैसे 6 ऑप्शन देता है, ओके, उन 3 का लिखना होता है, तो इसलिए ये आसान हो जाता है। ओके, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहेंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बस, थैंक यू।